जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञानम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, ज्ञानम डिफेंस में, जहां हम पढ़ाते हैं नेवी, एयरफोर्स और सीडीएस एनडीए के क्वेश्चंस, सिलेबस सब कुछ फ्री में। तो आइए, हम लोग एक श्रृंखला चला रहे हैं जहां पे एक सीरीज चल रही है हम लोगों की, जहां पे हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं और आपके डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। उसी में एक और सीरीज आ गई है जो एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए है, एक्स वाई ग्रुप के लिए है। तो ये रहा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये है कि रीड द पैसेज। अब आपको करना क्या है कि पैसेज आपके सामने, ठीक है, एक पैसेज आपके सामने, आपको करना क्या है, इस पैसेज को पढ़ना है और आंसर देना। अगर आप मेरी बात माने, मैं हमेशा यही बोलता हूं कि जब भी आपको पैसेज सॉल्व करना होता है तो पहले आप क्वेश्चंस पढ़िए। क्वेश्चंस पढ़ने से क्या होता है, आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है कि भाई हमें ढूंढना क्या है पैसेज में। पैसेज तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन पैसेज को क्या हम लोग बिना किसी डायरेक्शन के पढ़ रहे हैं? तो जब पैसेज पढ़े तो पहले ढूंढने कोशिश करें कि भाई पैसेज हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, ताकि आपका जो रीडिंग है, जो टाइम आप लगाओगे पैसेज पढ़ने में, वो एक ही बार पैसेज में पढ़े, पैसेज को पढ़े और एक ही बार में उसका सवाल का जवाब दे दे। ठीक है जी, तो देखते हैं, पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। कहते हैं राइटर डज नॉट लाइक प्रेज ऑफ पॉवर्टी इट इज। जो राइटर है उसको प्रेज ऑफ पॉवर्टी नहीं पता, मतलब प्रेज ऑफ पॉवर्टी यानी जो गरीबी की सराहना है उसको नहीं पसंद। ये क्या है, उसका पर्सनल ओपिनियन है, लोगों का ओपिनियन है, एसेटिक्स का ओपिनियन है, सिंपल लोगों का ओपिनियन है, ये हमें ढूंढना है। दूसरा, टू हुम द एसेटिक लाइफ मे बी सूटेबल। भाई एसेटिक लाइफ जो है वो किसके लिए सूटेबल है, तो मैं पहले बता दूं एसेटिक लाइफ होता है क्या है। एसेटिक लाइफ होता है जो संन्यास का जीवन ले लेता है, यानी कि बहुत ही कम संसाधनों में अपना जीवन यापन करता है, जैसे कि साधु संत लोग होते हैं, उनको उनकी जो जिंदगी होती है उसको हम बोलते हैं एसेटिक लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय एसेटिक लाइफ। भाई एसेटिक लाइफ का मतलब पूछ रहा है कि क्या होता है। नेक्स्ट है कि अब्सर्ड, आपको क्वेश्चन में इस सेंटेंस में जो अब्सर्ड है, पैसेज में अब्सर्ड वर्ड है, उसका सबसे सटीक विकल्प क्या है, इनमें से कौन सा वैसा वर्ड है जो अब्सर्ड की मीनिंग को सूट करता है, बिल्कुल वही मीनिंग है जो अब्सर्ड का मीनिंग है, वो आपको पता लगाना है इसमें से। ठीक है जी, पांचवा क्वेश्चन है जो इस पैसेज से नहीं है, तो आइए हम लोग पहले पैसेज पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो पैसेज में कह रहा है, पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। पर्सनली आई डिसलाइक, यानी अगर वो पर्सनली डिसलाइक कर रहा है तो जो प्रेज ऑफ पॉवर्टी है ये उसका कैसा ओपिनियन है, ये उसका पर्सनल ओपिनियन है। ये इसका कैसा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन। जो आपका पहला सवाल पूछा गया था कि ये उसका कैसा ओपिनियन है, तो ओपिनियन कैसा है उसका, पर्सनल ओपिनियन है भाई। आई डो नॉट थिंक दे आर ऑल डिजायरेबल एंड दे ऑट टू बी एबॉलिश्ड। नॉट डू आई अप्रिशिएट द एसेटिक लाइफ एज अ सोशल आइडियल दो इट मे सूट इंडिविजुअल्स। तो जो एसेटिक लाइफ है वो कुछ लोगों को, इट मे सूट इंडिविजुअल्स, यानी कि कुछ लोगों को रास आती है, मुझे तो रास नहीं आती। आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट सिंप्लिसिटी, इक्वालिटी, सेल्फ कंट्रोल, बट नॉट द टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी। टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी यानी कि बहुत ही कम संसाधनों में जीवन यापन करना, जिससे शरीर को तकलीफ तो पहुंचता ही है। आई बिलीव दैट माइंड एंड हैबिट्स ऑल्सो have to be trained and brought under control. It would be absurd to expect that. Absurd यानी क्या, यहाँ पे मतलब क्या, वो हमें पता लगाना है। Absurd to expect that a person who is given too much self love can endure much suffering. यानी ये मानना बहुत ही डैश होगा, यानी absurd को हम लोग, हमें विकल्प ढूंढना है, बहुत ही डैश होगा कि एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यार दिया गया हो और बाद में उसको, उससे ये अपेक्षा रखी जाए कि वो जो सफरिंग है, जो तकलीफें हैं, वो सह लेगा और वहां पे बहुत ही अपने ऊपर नियंत्रण दिखाएगा और शो अनयूजुअल सेल्फ कंट्रोल और बिहेव लाइक अ हीरो व्हेन क्राइसिस कम। टू बी इन गुड मॉरल कंडीशन रिक्वायर्स एज मच ट्रेनिंग टू बी इन फिजिकल हेल्थ। देखिए जी, अब हम आंसर्स पे आ जाते हैं। आपने पढ़ लिया, मैंने आपको एक बार रीडिंग करके दिखा दी कि क्या कहना चाह रहा था जी। ठीक है जी, अब देखिए, कहता तो ये भाई आंसर से हमें पता लग गया क्या उसका पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, तो कहते हैं एस्थेटिक लाइफ किसको भाई सूट करता है, हमने पढ़ा था सीधा क्या, किसको सूट करता है, इंडिविजुअल्स को सूट करता है। अब देख रहे हैं कि अगर पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज पढ़ा जाए तो कितनी रफ्तार से हमें आंसर मिलता है, कितना सटीक हमें आंसर मिलता है। अगला देखते हैं, मैंने कहा व्हाट डज द ऑथर मीन बाय एस्थेटिक लाइफ, जो एस्थेटिक लाइफ है वो क्या होता है, तो मैंने कहा शरीर को तकलीफ पहुंचाना, मॉर्टिफिकेशन ऑफ द बॉडी, जितना हो सके संसाधनों की कमी करना और अपने शरीर को चाहे तकलीफ पहुंचे लेकिन संसाधन का उपयोग न करना, उसको हम बोलते हैं मॉर्टिफिकेशन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, अब्सर्ड रीजनेबल या नहीं होता है, सही तो सही तो नहीं होगा, कांग्रेस होता है सटीक सही वो भी नहीं होगा, सिंपल भी नहीं होगा, तो आपका जो आंसर है वो है सिली, यानी डी ऑप्शन है। बहुत ही अजीब, सिली मतलब बहुत ही बेवकूफाना लगेगा कि किसी को आपने शुरू से बहुत ज्यादा प्यार दिया हो और अचानक उससे अपेक्षा करें कि जब तकलीफ या कोई परेशानी आएगी तो वो सारी तकलीफों को झेल जाएगा, सारी परेशानियों को सह जाएगा, ये बहुत ही अजीब बात है। तो अजीब के लिए हम लोग वर्ड एब्सर्ड या सिली लगाते हैं।
ठीक है जी, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा वर्ड का स्पेलिंग गलत है। देखिए अब ये जो स्पेलिंग वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको मेरी जरूरत नहीं होती, वो आपको स्पेलिंग्स तो खुद याद करनी है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है जी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए क्या कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे मिस स्पेल्ट है, इनकरेक्टली स्पेल्ट बोला क्वेश्चन में पूछता है या क्वेश्चन में बोल देता है कि मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा है, कौन सा वर्ड है जो गलत स्पेल किया गया, उसको पूछेगा, तो बताइए हमको। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम इस पर आते हैं। चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, सटीक तो नहीं होगा लेकिन ऑलमोस्ट नियरेस्ट, यानी ये क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है साइनोनिम, ये आपसे पूछ रहा है साइनोनिम, ऑलमोस्ट सिमिलर, साइनोनिम इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो नीचे हमें कौन सा वर्ड दिया गया, हमें नीचे वर्ड दिया गया है जेस्ट। अब जो जेस्ट होता है उसका मतलब होता है जुनून, उसका मतलब होता है हर्ष उल्लास, जोश। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको सूट करता है, एपथी तो नहीं, एपथी यानी क्या, किसी की भावनाओं के प्रति कोई रुझान ना होना या आपको कोई इंटरेस्ट ना होना, कोई आपको फीलिंग ही नहीं आती किसी की भावनाओं पे, कोई दुखी हो सुखी हो उससे आपको कोई मतलब ना हो, तो उसको एपथी बोलते हैं। लेजी आपको पता ही है, बोर्डम आपको पता ही है, तो इसका आंसर क्या गाइस, ए, ए यानी क्या होता है पैशन, जुनून। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग। अब फिर से क्या बोल रहा है, अपोजिट, ऑलमोस्ट अपोजिट बोल रहा है, क्या अब हमें पता है कि एग्जैक्टली अपोजिट तो होगा नहीं, बिल्कुल ऑलमोस्ट अपोजिट होगा। तो एम्बेलिश का मतलब होता है सजाना, जब आप किसी चीज को सजाते हो, इसका मतलब होता है सजाना, जब किसी को सजाते हो, या अगर हम बोलें अगर आप किसी चीज को डेकोरेट करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बेलिश। तो एम्बेलिश का उल्टा क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा नहीं, फोरफिट होता है जब्त करना, वो होगा नहीं, इंडिक्ट नहीं होगा, तो एक बचता है आपको ऑप्शन बी, डिसफिगर। डिसफिगर यानी इसको तोड़फोड़ कर देना, उसको कुरूप बना देना, दैट इज डिसफिगर। तो जो इस वर्ड का मीनिंग होगा एम्बेलिश का, जो एग्जैक्ट ऑपोजिट मीनिंग होगा वो होगा आपका डिसफिगर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आठवां, चूज द करेक्ट वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा तजुर्बा हो उसको आप लोग क्या कहोगे, उसको कहा जाता है वेटरन। क्या कहा जाता है, वेटरन, यानी क्या होता है, जो जिसको बहुत ज्यादा तजुर्बा होता है किसी चीज का, वेटरन होता है। अगर इसका ठीक ऑपोजिट अगर आप पूछो, अगर इसका ठीक ऑपोजिट पूछा होता तो आप क्या बोलते, आप बोलते नोवाइस, आप बोलते नोवाइस, या आप लोग क्या बोल देते, नेव बोल देते। तो नोवाइस और नेव यानी क्या होता है, जो अनाड़ी हो किसी काम में, बिल्कुल नया हो, और वेटरन क्या होता है, बिल्कुल तजुर्बेदार हो चुका है किसी चीज में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारे पास, कहते हैं अ सेंटेंस स्प्लिट इनटू फोर पार्ट्स हैज बीन गिवन, चूज द बेस्ट ऑर्डर विच प्रोड्यूसेस द ओरिजिनल सेंटेंस। यानी क्या, एक सेंटेंस को लिया गया है, उसके टुकड़े कर दिए गए, है ना, और उसको क्या कर दिया गया, पजल कर दिया गया, आपस में मिक्स कर दिया गया, और आपसे कहा जा रहा है इसको ऐसे अरेंज करो कि ये बिल्कुल एक ओरिजिनल सेंटेंस बन जाए, यानी जो सेंटेंस ये पहले था वो सेंटेंस दोबारा मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। ओके जी, चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या हमारे पास आता है। फॉर, फॉर से आपका सेंटेंस कभी स्टार्ट नहीं होता, तो वन तो हो नहीं सकता। अगर आप ध्यान दें तो सारे ऑप्शंस में टू 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 लिख रखा है, यानी पहला आंसर जैसे खुद ही दे दिया कि टू से स्टार्ट होगा, यानी क्या, ये जो आपका होगा अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, फेसिंग अस, ये आपका पहला होगा। ठीक है, अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस। अब ये वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है, ये जो पूरा पूरा आपका फ्रेज है, ये एक सब्जेक्ट बन चुका है, जो फ्रेज है वो आपका क्या बन चुका है, सब्जेक्ट बन चुका है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद मुझे क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें आपको वर्ब ढूंढना है। तो वर्ब हमें कहां मिलेगा, वर्ब हमें मिल रहा है इज, वर्ब हमें कहां मिल रहा है इज। अ वेक्स्ड प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो हमें बहुत परेशान कर रही हो, क्या है, इज द क्लैमर टू ओपन मोर कॉलेजेस, इज द क्लैमर यानी जो शोर मच रहा है कि और ज्यादा कॉलेजेस आप खोलिए, वो है। तो टू के बाद ये आपका फोर आ रहा है, तो टू के बाद फोर कहां आ रहा है, अब देखिए अब इन दो ऑप्शंस में टू के बाद फोर आ रहा है, इन दो ऑप्शंस में टू के बाद फोर आ रहा है, यानी ये ऑप्शन चला गया आपका, ये ऑप्शन चला गया। अब आपको बस ये डिसाइड करना है कि फोर के बाद वन आएगा कि फोर के बाद थ्री आएगा। ठीक है, टू ओपन मोर कॉलेजेस किसके लिए, फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ज्यादा कॉलेज खोलना है किसके लिए, जो बैकवर्ड क्लास लोग हैं उनके लिए, तो ये ए ऑप्शन आ गया। तो टू फोर वन, यानी ये आपका जो बी वाला पार्ट है वो आपका आंसर है, यानी जो बी वाला पार्ट है वो आपका आंसर। आसान था ना, चलिए बहुत आसान था। अब द अथॉरिटी सीम टू बी डैश कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। ठीक है, कंसर्निंग, अब जब कंडीशन ऑफ वर्कर्स की बात कर रहे हैं, यानी कुछ तो नकारात्मक बात कर रहे हैं, अगर कंडीशन ऑफ वर्कर्स की बात कर रहे हैं तो कुछ तो नकारात्मक बात कर रहे हैं, और जो अथॉरिटीज हैं तो लिबरल तो होंगे नहीं, है ना, और रिस्पॉन्सिबल होंगे नहीं,
ठीक है, तो इन दोनों में से होगा इंसेंसिटिव और टॉलरेंट। इंसेंसिटिव पर्सनल फीलिंग्स के लिए यूज किया जाता है कि वो बहुत इंसेंसिटिव है मेरी फीलिंग्स को लेकर, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा जो ऑफिशियल, दैट इज इग्नोरेंट, यानी कोई ध्यान नहीं दे रहे, तो दैट इज नॉट सी ऑप्शन इज योर आंसर, वो क्या होगा इग्नोरेंट होगा। नेक्स्ट है ही डैश फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। अब ये ग्रामर ही पूछ रहा है सारा, ये टेंस पूछ रहा है लेकिन आपको फिलिप्स के जरिए पूछ ले रहा है। अब कहता है डेली इन द मॉर्निंग, तो आपको क्या दिखा रहा है, रूटीन दिखा रहा है। हम सबको पता है कि जब भी हम रूटीन बताते हैं वो हम कहाँ बताते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं, और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे तो ही हमारा सब्जेक्ट है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट एक वचन है ना, अगर आपका कोई सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमें पता है उसके बाद जो वर्ब आना चाहिए वो वर्ब हमारा कैसा आना चाहिए, वो वर्ब हमारा आना चाहिए सिंगुलर, वो हमारा वर्ब कैसा आना चाहिए सिंगुलर आना चाहिए। तो जैसे मेरे पास वर्ब आ गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया एस और ई एस लगा दे रहा है, तब जाके मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा। तो गो नहीं होगा, शैल गो नहीं होगा, विल गो नहीं होगा, क्या बचा गोज, ये मेरा आंसर है। ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट कहता है डैश थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अगर ध्यान से देखें ना तो ये बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि एक idiom है, एक लोकोक्ति है जो पूछा जाता है, कहा जाता है idiom, ठीक है। तो ये idiom आपको रटना पड़ता है, इसमें क्या होगा ए आएगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट देखते हैं द थंडर वॉज अकम्पनीड, जब भी ये तो फ्रेजल वर्ब, देखिए ये तो फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, कहते हैं कि जब भी आपका कोई फ्रेजल वर्ब आता है सरकार, जब भी आपके पास कोई फ्रेजल वर्ब आता है तो उसमें क्या होता है आपके पास एक वर्ब होता है और वर्ब के साथ आपके पास क्या होता है एक प्रेपोजिशन आता आना जरूरी है। तो ये वर्ब और प्रेपोजिशन की जोड़ी बिल्कुल वैसी होती है जैसे राम और सीता की, यानी ये जोड़ी टूटनी नहीं चाहिए ना, अगर टूटा तो कोई सेंस नहीं बताता, क्योंकि ये दोनों वर्ब और प्रेपोजिशन ये मिलकर एक साथ क्या दिखाते हैं आपको एक्शन दिखाते हैं, दोनों मिलके आपको एक साथ क्या दिखाते हैं एक्शन दिखाते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम लोग कहेंगे द थंडर वॉज अकम्पनीड, अब यहाँ पे फ्रॉम अप और बाय नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा विथ आएगा, क्या आएगा विथ, द थंडर वॉज अकम्पनीड विथ अ हैवी रेन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट, ये तो बहुत आसान है। देखिए जब भी आपके पास कोई वर्ब आता है आपको क्या करना होता है, अगर उसको नाउन बनाना हो या तो उसके पीछे आपको कोई सफिक्स लगाना पड़ता है, ठीक है जी, कोई सफिक्स लगाना पड़ता है, और या तो उसके पहले क्या लगाना पड़ता है कोई प्रीफिक्स लगाना पड़ता है, या तो सफिक्स लगाया जाएगा या तो प्रीफिक्स लगाया जाएगा। अब हमें पता है कि अधिकतर जैसे मैंने कहा एजुकेट, तो एजुकेट एक नाउन है, तो उसके साथ आपने क्या लगा दिया, आपने लगा दिया टी आई ओ एन, तो क्या बन गया आपके पास, क्या आ जाता है आपके पास आ जाता है एजुकेशन, आपके पास क्या हो जाता है एजुकेशन आ जाता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर मैंने कहा कम्युनिकेट, तो कम्युनिकेट यानी क्या होता है बातचीत करना, अगर मैं कहता हूं कम्युनिकेट तो कम्युनिकेट क्या है बातचीत करना, अगर इसके साथ मैंने क्या किया आई ओ एन लगा दिया तो मेरे पास जो आंसर आता है वो क्या होता है, वो होता है कम्युनिकेशन, वो जो वर्ड बनता है मेरे पास उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन, यानी बातचीत वार्तालाप, दिस इज योर कम्युनिकेशन। तो अगर डिटेक्ट वर्ब है तो आप क्या लगाएंगे लास्ट में टी आई ओ एन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा डिटेक्शन बन जाएगा, है ना, बहुत ही आसान, क्या बन जाएगा डिटेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहां पे मैं गलती ढूंढनी है, एरनेस पार्ट यानी क्या, स्पॉट द एरर का क्वेश्चन है, फिर से ग्रामर से ही पूछा गया, मैक्सिमम सारा ग्रामर ही पूछ रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछ रहा है। ही मेट डैश, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। अब देखो इसमें बहुत मजेदार बात क्या है कि जब ये पार्ट है ही मेट विद एन एक्सीडेंट, इतना पार्ट अगर देखा जाए तो ठीक है ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये जो पार्ट है ये आपका एक्टिव वॉइस में लिखा गया है ना, कि जो सब्जेक्ट था वही उसकी मुलाकात हो गई किससे, एक्सीडेंट से नहीं क्या उसकी दुर्घटना हो गई। लेकिन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल यानी वो खुद एडमिट करेगा अपने आप को, अरे जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो किसी और ने, राहगीर ने, दोस्त ने, किसी ने उसको एडमिट कराया होगा, यानी एंड के बाद वाला जो पार्ट आता है आपका वो पैसिव होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए आपका पैसिव वॉइस होना चाहिए। अगर वो पैसिव वॉइस होना चाहिए तो पैसिव वॉइस का फंडा क्या है, ऑब्जेक्ट लगाइए उसके बाद आप लगाते हैं सर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप क्या लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप क्या लगाते हैं, उसके बाद आप लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट, क्या लगाते हैं आप उसका कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा एंड वॉज एडमिटेड, क्या बोलेंगे एंड वॉज एडमिटेड, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए मेरे पास क्या आता है, ही इज ग्रेटर देन मी, पहले होते ये क्वेश्चन नहीं गलत है, ही के साथ ही इज ग्रेटर देन मी नहीं आ रहा है, यहाँ पे आई आना चाहिए था, ही इज ग्रेटर देन आई, पहले तो ये क्वेश्चन होना चाहिए था। अब कहता है चूज अ सेंटेंस दैट कन्वेज सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस, मतलब जो सेंटेंस आपका गिवन है आपका ऐसा ऑप्शन ढूंढे जो बिल्कुल सेम मीनिंग बताए। तो हम देखते हैं कि एक तरफ ही है, वो कहता है ही ग्रेटर देन है किससे, आई से, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आई है, जैसे कहते हैं आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, भाई मैं इसके जितना ग्रेट नहीं हूं,
ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल आपका आंसर है ये, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्यों नहीं है। आई एम द ग्रेटेस्ट, अगर आपने बोल दिया नहीं आप ही से बहुत ही ग्रेट हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आई एम एज ग्रेट एज ही, जब आप बोलते हैं आई एम एज ग्रेट एज ही, यानी आप क्या बोल रहे हो, आई इज इक्वल टू ही, जबकि इस क्वेश्चन में क्या है कि ही जो है वो आई से ग्रेटर है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट बोलता है ही इज एज ग्रेट एज आई, बात तो भाई चाहे आप बात ऐसे बोलो चाहे आप बात ऐसे बोलो, बात तो आप एक ही बोल रहे हो, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका जो आंसर गाइस वो ए है, वो क्या, कि मैं उसके जितना ग्रेट नहीं हूं। नेक्स्ट देखिए, कहता है ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड द डॉग फॉर रुपीज 50। सोल्ड, अच्छा एक बार आपने नाउन बोल दिया, एक बार आपने अगर नाउन बता दिया, तो दोबारा हम लोग क्या करते हैं, नाउन को रिपीट नहीं करते है ना, हम लोग नाउन को रिपीट नहीं करते। हम लोग सोल्ड द डॉग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोल्ड इट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोल्ड इट, यानी क्या, बी पार्ट में आपके एरर है, हम लोग नाउन को रिपीट नहीं करते। जब नाउन रिपीट होता है तो उसे हम लोग क्या लगाते हैं, प्रोनाउन लगाते हैं। आगे चलते हैं, बोथ मिली एज वेल एज। अब हमें एक चीज ये भी पता है कि जब भी आपका कोई सेंटेंस बोथ से स्टार्ट होता है तो उसके साथ आने वाला जो कंजंक्शन है वो एंड आता है, ना कि एज वेल एज, ठीक है, वो बोथ के साथ क्या आता है, एंड आता है, ना कि एज वेल एज। तो अगर मैंने यहां पे लिखा है बोथ, तो बोथ के साथ में यहां पे एज वेल एज ना लिख के क्या लिखूंगा, एंड लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एंड, तो क्या बन जाएगा, मिली, बोथ मिली एंड मीना आर ब्यूटिफुल, ठीक है। तो आपका जो एरर था फिर से कहां था, ये बी पार्ट में था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, कहता था टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसंस डेली। अब इसको करना क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। ओके जी, ध्यान से देखिए, ये आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट, ये आपका क्या बन गया, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या बन गया, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इसमें बदलाव आते हैं। कैसे बदलाव आएंगे, इस डायरेक्ट स्पीच के अनुसार। जैसे अब ये एक सुझाव है ना, टीचर क्या देती है, टीचर स्टूडेंट्स को सुझाव देती है, तो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो टोल्ड तो होगा नहीं, आस्क्ड होगा नहीं, वो क्या होगा, एडवाइज्ड होगा। यानी अब मेरा जो ऑप्शन बचे हैं, मेरे पास दो बचे ऑप्शन, कौन सा, सी और डी, पढ़ लेते हैं। द टीचर एडवाइज्ड मी बी रेगुलर, नहीं यहां पर गलती आ गई, क्योंकि आप जब बी लगाते हो, यहां तक एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, उसके बाद जब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो मुझे इन्फिनिटिव चाहिए, यानी मुझे क्या चाहिए था, टू बी रेगुलर, तो वो चीज मुझे यहां पे मिल गई है। द टीचर एडवाइज्ड मी क्या, टू बी रेगुलर एंड लर्न माय लेसंस डेली, यानी मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है जी। ये ऑप्शन गलत हुआ क्योंकि अब टू नहीं था, यहां पे टू था, इसलिए मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। जो आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहां पे हम लोग दैट का यूज नहीं करते, वहां पे हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है जी, और इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं, टू बी प्रिसाइज, इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, इट इज टाइम टू बाय बुक्स। अच्छा, जब ये, इसको करना क्या है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। अब हमें पता है कि जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो जो इट इज टाइम वाला क्लॉज है इसमें कोई बदलाव नहीं होता, तो बदलाव किसमें करेंगे, ध्यान से देखिए, इसमें बदलाव होगा इतने पार्ट में। अब जो बुक्स है अगर देखा जाए तो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये पार्ट आपका इन्फिनिटिव है, यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसी वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म में बदलाव करना है, और इसकी जगह पे बीई बी वर्ब हमको लगा देना है, ठीक है जी, ये हमें काम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बुक्स को आगे लेके आएंगे, है ना, तो चलो बुक्स आ जाते हैं। इट इज टाइम, अच्छा इट इज टाइम के बाद यहां पे अगर आप टू हटा, ये टू प्लस इसको थर्ड फॉर्म बदल रहे हो, है ना, इन्फिनिटिव को आप चेंज करोगे, तो यहाँ पे कुछ कुछ प्रेपोजिशन चाहिए आपको। तो प्रेपोजिशन देखिए, फर्स्ट वाला तो कट जाएगा क्योंकि हमें फॉर प्रेपोजिशन चाहिए होता है, जब इट इज टाइम आता है उसके बाद जब भी आपका कोई फ्रेज स्टार्ट होता है फॉर से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो फॉर तीनों में है। फिर इसके बाद देखिए, बुक्स आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो बुक्स भाई तीनों में आपका ऑब्जेक्ट है। फिर टू बी कहां लगा हुआ, वो देखिए टू बी कहां लगा, क्योंकि इन्फिनिटिव तो रहेगा रहेगा ना, तो टू और बी कहां लगा हुआ है, तो टू और बी इसी इसमें लगा हुआ है। इट इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट, तो ये सीधा सीधा आपका आंसर हो गया, बहुत आराम से समझ आए, तो ये आपका सीधा आंसर बन जाता है, बहुत आसान। अगर आपको ट्रिक्स पता है ना, तो आप बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा, इसको आपने शेयर पहले कर दिया होगा उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू, और सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे उसके लिए भी बहुत ज्यादा धन्यवाद। ऐसे इस चैनल को फैलाते रहिए, इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और हम आपकी शिक्षा में, आपके उज्जवल भविष्य में अपना जितना हो सके भरसक प्रयास करेंगे और सहयोग देंगे। तब तक के लिए महादेव।